हेलो एवरीवन, अगर आपने पैन कार्ड से आधार कार्ड को अभी तक लिंक नहीं कराया है तो जल्दी से करा लीजिए, क्योंकि जो पहले लिंक करने की डेट थी वो थी 31 मार्च, जिसको बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया गया है। अगर आप आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक नहीं करते हो तो आपका पैन कार्ड जो है यूजलेस हो जाएगा, जिसको आप कहीं पे भी यूज नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कराना बहुत ही ज़रूरी है, और आप पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक अपने मोबाइल से घर बैठकर ही कर सकते हैं। इसको लिंक करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल पे यहाँ पे आपको सर्च करना है इनकम टैक्स, आपको यहाँ को इसको सर्च कर देना, जो पहले में ही इनकम टैक्स की जो साइट आ रही है आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने इनकम टैक्स की साइट ओपन हो जाएगी। आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे देखना है, क्विक लिंक्स का एक ऑप्शन आएगा, उस कैटेगरी में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लिंक आधार, आपको उस पे क्लिक कर देना है। उस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे आपको यहाँ आधार कार्ड नंबर डाल देना है। इन दोनों को डालने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा वैलिड डेट, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक ओपन होता है, इसको आप यहाँ से कंटिन्यू टू पे थ्रो ई पे टैक्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी यहाँ पे फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड का डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएगी। आने के बाद आपको यहां से फिर से कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको यहां पे जो पहला ही ऑप्शन है इनकम टैक्स, आपको इस पे क्लिक करके और इसको प्रोसीड कर देना है। इसको प्रोसीड करने के बाद आपको यहां पे असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट कर लेना है, वो आपको यहां से करना है 2023 से 2024 को। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे यहां पे टाइप ऑफ पेमेंट, आपको पेमेंट करनी है तो आपको यहां पे 500 पे क्लिक कर देना है, और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। आपको यहाँ पे 1000 वाला नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसको सेलेक्ट करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके 2 स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अभी एक स्टेप रह जाएगा, आप किस कैसे आप पेमेंट करना चाहते हो। यहाँ पे आपको कुछ बैंक की डिटेल दी जाएगी, नाम दिए जाएंगे, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, आईसीआई बैंक, पीएनबी बैंक, आपको सभी दिए जाएंगे। और नीचे एक ऑप्शन भी दिया जाएगा अदर बैंक का, अगर आपका इनसे बैंक थोड़ा अलग है। और यहाँ से आप इसको क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ बैंक के डिटेल दे दी जाएगी, आप यहाँ से उससे आप पेमेंट कर सकते हो। और इसको पेमेंट करने के बाद आप जैसे ही आप यहाँ से इसको सेव कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी आपकी रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी। रिक्वेस्ट जाने के बाद आपको 2-3 दिन बाद आपको वापस से साइट को ओपन करना है। जैसे ही आप साइट को ओपन करते हो तो आपको यहाँ से फिर से इस पे लिंक आधार पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक आधार पे क्लिक करोगे दोबारा से आपके सामने ऐसा ही इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डाल देना है। इसको डालने के बाद आपको यहाँ पे वैलिड डेट पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको उसको चेक कैसे करना है कि आपका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको फिर से वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे लिंक आधार स्टेटस मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है। जैसे मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, जब आपका पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक हो जाएगा तो आपको यहाँ पे एक मैसेज दे दिया जाएगा, योर पैन कार्ड इज़ ऑलरेडी लिंक्ड टू गिवन आधार। तो ऐसे ही आपको चेक कर लेना है, अगर यहाँ पे आपका लिंक नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।